का नाम नहीं सुना बेटा। प्रहलाद के बारे में नहीं पता किसी को? पूर्वज की किताब थी वो पढ़ाई जाती। होली क्यों मनाई जाती है ये पता तुम? सही ना मालूम। हिरणा सही कह भाई, हिरणाकुश एक राजा हुए हैं। हिरणाकुश सुनो सुनो, राजा कैसे उन्होंने शिव जी की भक्ति करी, और भक्ति भी इतनी करी उन्होंने, भक्ति करते करते उनके ऊपर बेल जम गई, मतलब जैसे बहुत दिन हो गए 10,000 वर्ष मिट्टी में दब गए। तो जब उनको शिव जी ने ढूंढा, भाई ढूंढो, तो उन्होंने पता कराया वो तो कहीं दबे हुए थे। तो फिर आगे योरा विराट सुनो, इधर सुनो बेटा विराट क्या मांगते हो? शांति से। उन्होंने कही तो नील है। हाँ विराट बोला दिन मरू ना रात, रात मरू ना दिन, सुबह मरू ना शाम, तो मतलब बाहर मरू ना भीतर, कहीं नहीं मरू, मतलब ऐसा वरदान उन्होंने दे दिया। तो उनको ऐसा वरदान दे दिया शिव जी ने, अब तुम जो है मरोगे नहीं। अब वो और मुझे भगवान से ऊपर पूजा जाए, अपने आपको भगवान मान लेना। उनका ही प्रहलाद भगत हुआ, प्रहलाद हुआ एक बच्चा आपकी तरह है, उसका बेटा छोटा, उसका बेटा। तो प्रहलाद भगत ने वो गोदी में बैठा लिया हिरणाकुश ने अपनी गोदी में, तो उससे बोले बेटा बता किसका किसको मानते हो? मैं भगवान हूँ। मैं तुम भगवान है, हरिए भगवान वाला है। उन्हें गोदी से ऐसे नीचे फेंक दिया, उसका बच्चे का कुछ नहीं हुआ, जैसे छत से फेंक दिया बच्चे को, फिर वो बच्चा खड़ा हो गया। फिर बोले हरि की पूजा करो नहीं तुम्हारा नाश हो जाएगा। अपने पिता जिसको हरि कहते हैं भगवान को, भगवान कौन होता? भय कै शब्द होते हैं, भय गय वय आ न, पांच हो गए ना, भैसु भूमि, गैसु गगन, वेसु वायु, समझ गए, नैसु नील, आकाश, इन पांचों को मिलकर भगवान बनता है। इन तत्वों से, इन तत्वों से हमारा निर्माण हुआ। तो क्या मैं मुझको भगवान मान ले उसने कही अपने बेटे से पहला से, जैसे लाला कह लगा तुझसे मैं भगवान, बोले नहीं। फिर बोले इसे मारो, हाथियों के बीच में गेर दिया, हाथी मर गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसे जल्लाद लेके मारने को उनसे भी तलवार नहीं चली। फिर बोले तो भाई उसकी बुआ, उसकी बुआ थी, कौन थी बुआ? कौन? होलिका। तो इसे गोदी में लेके बैठ जा और यहाँ आग लगा देने, और उसे ऐसे कपड़ा जलती नहीं थी वो बैठा दिया, चारों तरफ से उपला लगा कर बहुत सारे आग लगा दी। थोड़ी देर में होलिका तो भाई जल, और प्रहलाद भगत फिर निकल गया, समझ गए? प्रहलाद नहीं जले, प्रहलाद नहीं जले। तो ये प्रहलाद भगत जो है किसका नाम लेते थे? परमात्मा का। सुबह उठ के 4 बजे उठे करो, सरस्वती जी आती हैं सबके घर पर, लक्ष्मी जी आती हैं, गेट खोल लो और भगवान का भजन करो, तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? सही शिक्षा में दिमाग लगेगा। हैं तो होलिका जलाई थी, प्रहलाद भगत बच गए थे, इसलिए होलिका जलाई जाती है। और वैसे प्रकृति के हिसाब से नया अनाज आ जाता है, आज गेहूँ हुआ ना, उनमें सब में दाने पड़ गए, इसमें पड़ गए जौ में, मक्का और तुम्हारा मक्का नहीं, सब फसल पक जाती है। सरसों, ये जो रबी कौन सी फसल बोले? रबी की फसल होती है, खरीफ की, खरीफ कौन सी बोले? मक्का बाजरा होता है, जाड़ा में इसे बोलते हैं रबी की। तो रबी की फसल पक के तैयार हो गई है, इसलिए इसकी आज से शुरुआत है, नए अनाज यूज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे जला के जब आप बड़े हो जाओ ना, ऐसे मत फेंकना, जौ के बाल लाना, जला के अपने घर ले जाना, ये शुभ होता है, और अपने घर में बांध दो, सुबह को एक दाना खाओ, ठीक है? बजा ताली बच्चे, हाँ ताली, जय होली का भाई, जय होली का भाई।